ये जो कंसेप्ट है टीचिंग का, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसको हिंदी में शिक्षण सूत्र कहते हैं, मतलब इट्स ए फॉर्मूला, और इसको भी बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजी। तो कौन कौन सी चीजों को मुख्य रूप से हमको टीचिंग करने के समय ध्यान में रखना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला ये बना हुआ है, शिक्षण सूत्र इसको कहते हैं हिंदी। व्हाट आर दोज फॉर्मूलाज विच विल मेक योर टीचिंग इफेक्टिव? सो यू हैव टू स्टार्ट हाउ यू हैव टू टीच। व्हेन यू आर टीचिंग यू स्टार्ट, मतलब यू हैव टू गो फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएं। अब इसी तरह से और भी सूत्र हैं, सिर्फ सूत्र को हम पढ़ेंगे, जहां कोई कॉम्प्लेक्स लगेगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। नोन टू अननोन, देर आर टू पार्ट्स ऑफ टीचिंग, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नोन, देन यू हैव टू गो टू अननोन। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अननोन टू नोन, इट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण का सूत्र नहीं है, फॉर्मूला नहीं। सो नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, मतलब जिसको देख सकते हैं और जिसको नहीं देख सकते। तो पहला नोन टू अननोन, नेक्स्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब जो एक पर्टिकुलर, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा पर्टिकुलर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर द जनरल, और जितने भी जनरल फार्मूला बनते हैं इसको इंडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल, इंपीरिकल टू रेशनल, मतलब लॉजिकल रेशनल बाद में करना, पहले डाटा यदि बेस्ट है कोई तो वहां से स्टार्ट करना चाहिए जिसको बच्चा देख सके। सो इंपीरिकल टू रेशनल, पहले इजी फिर डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट, नियर टू फार, एनालिसिस टू सिंथेसिस, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी हमने कॉग्निटिव में कहा कि एनालिसिस, एनालाइज कीजिए, गांधी एज ए सोशल रिफॉर्मर, गांधी एज ए पॉलिटिशियन, गांधी एज ए सेंट, और तब उसको सिंथेसाइज कीजिए कि कौन कौन से आस्पेक्ट उनके आपस में मिलते जुलते हैं। सो एनालिसिस टू सिंथेसिस, सीन टू अनसीन, जो देखे हैं नहीं देखे, और वो सेंस ऑर्गन से भी रिलेटेड है, जो चीजें आप दिखा देते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव, और एक बार देख लेगा तो उसका इम्पैक्ट भी। सो सीन टू अनसीन, अनसर्टेन टू सर्टेन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, होल टू पार्ट्स, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, फॉलो नेचर, इसको यदि हम रिपीट कर दें तो फिर करेंगे अननोन टू नोन, मतलब यदि हम शिक्षण कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमको हमेशा इधर से उधर की तरफ जाना है, मतलब कैसे जाना है, किधर से किधर जाना है, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, इंपीरिकल टू रेशनल, इजी टू डिफिकल्ट, नियर टू फार, एनालिसिस टू सिंथेसिस, सीन टू अनसीन, अनसर्टेन टू सर्टेन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, होल टू पार्ट्स, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, एंड फॉलो अप नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू वेरी मच।